दशमलव अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते, शेर खान को हिदायत देते हैं बैठे, और वो हाथ अपना पीछे बांधे चहलकदमी शुरू करते हैं। शेर खान सेब रहने जाता है, पूछता, सर बताइए ना कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपने कहा हत्यारे, क्या क्या सुराग मिले, कुछ तो बताइए। मिस्टर खान, पहली बात, ये मर्डर, जैसा मैंने पहले कहा कि दो या उससे अधिक लोगों ने किया, वो क्यों कहा? वो यूं कहा कि अगर तुम बॉडी का मुआयना करो दोबारा, खास सर का, और तुमने देखा हो कि मैंने सिर पे ही फोकस किया है, फोटो में भी जब उनकी फोटो खींची है वो भी सिर पे ही मैंने फोकस किया है। उसकी वजह है कि उसके सर के पीछे के भाग पर एक कोई भारी वस्तु या एक धातु की वस्तु से वार किया गया है, एक बार नहीं बल्कि कई बार, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। और अभी तुमने रसोई घर में देखा होगा, शाही बावर्ची खाने में, मैंने एक हाथ से उठाना चाहा फूलदान को, वो फूलदान जो वहां पे बिलोंग नहीं करता, वो फूलदान जो अपनी जगह राउंड टेबल पर गोल मेज पे होना चाहिए था, बाकी दो थे, ये नहीं था, तीसरा नहीं था, तो इसको लाया गया। अब भाई मर्डर करने के बाद तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहला काम कातिलों का ये होता है ना कि बॉडी को ठिकाना लगाया जाए, ना केवल ना कि उस फूलदान को ठिकाने लगाया जाए जिससे मर्डर किया गया। इसीलिए मैंने फूलदान की भी इतनी फोटोज ली, निशान साफ है, काले काले थक्के हो रखे हैं जो खून के हैं, और इन सबको, इन सब के फॉरेंसिक टेस्ट किए जाएंगे, और इन सबको मैं आपको लिस्ट दे दूंगा क्या क्या आइटम्स की फॉरेंसिक जांच होनी है। तो आपने देखा होगा जब मैं फूलदान एक हाथ से उठाना चाहा तो नहीं उठा, दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़े। आपने ये भी देखा होगा उससे पहले मैंने एहतियात बरती थी और अपने हाथों में दस्ताने पहने थे कि जिससे कि कोई किसी भी जो कातिलों के, हालांकि वो हमसे भी ज़्यादा पेशेवर हैं, उनके इन पर, इस किसी भी चीज़ पर हाथों के निशान आने की मतलब ही नहीं, उन्होंने भी दस्ताने पहन रखे होंगे, लेकिन फिर भी हमें तो मुस्तैद रहना ही पड़ेगा। तो इतना भारी फूलदान, और तस्लीमुद्दीन कद्दावर आदमी था, 60 साल का जरूर था, 60-65 का रहा होगा, लेकिन कद्दावर आदमी था, बिल्कुल ताकतवर था, 6 फुट टॉल था। तो एक 6 फुट इंसान को उसके सर पर पीछे से वार करेंगे तो वो फूलदान जो उठाना पड़ेगा तो इस हाइट तक उठाना पड़ेगा कि उसमें फोर्स आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा आदमी होगा वो 6 फुट से ऊपर होना चाहिए कम से कम, और वो आदमी होगा औरत नहीं होगा। और जब उसने पहली बार वार किया होगा तब वो लड़खड़ाया होगा, गिरा नहीं होगा, कद्दावर आदमी था, ताकतवर था। फिर उसने दोबारा वार किया होगा, शायद अब फिर दोबारा लड़खड़ाया होगा, और इस बीच जो कातिल के जो दूसरे साथी ने उसको ओवरपावर किया गया होगा और उसको जकड़ करके नीचे बांध दिया होगा अपने मुश्कों से, और जिससे कि उसको जमीन पर लिटा करके उसके ऊपर मन चाहे जितने चाहे जितनी बार उस भारी फूलदान से उसके सर के खोपड़ी पर, पिछले भाग पर वार किया जा सके, और यही हुआ। और हाँ, मुझे लगता है कि
शायद कातिलों ने इसकी फोटोग्राफी भी करी है और वो शायद फोटोग्राफी किसी मोहतरमा ने करी है। अब फिर शेरखान चौंकता है, मोहतरमा, इंटरेस्टिंग, औरत भी, हाँ कैसे कह सकते हैं आप, कोई आपको लिपस्टिक का निशान मिला, कोई कुछ नहीं, वो सब तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये मेरी गट फीलिंग है। खून को इतने घंटे हो गए लेकिन परफ्यूम, इत्र की खुशबू वातावरण में मैंने, मेरे नथुने ने तब भी महसूस करी। आपको जुकाम तो नहीं है मिस्टर खान? खान साहब समझ जाते हैं कि क्या कटाक्ष किया जा रहा है। तो बहरहाल अब फिर दशमलव बैठते हैं कुर्सी पर अब और बोलते हैं, इंतजार करो, सिगार लगाते हैं, अब बहुत जल्द तुम्हारे को फिर कुछ परिणाम मिलेंगे। इतनी देर में एक आदमी बिल्कुल बदहवास हालत में, उनका जो शागिर्द चेला उनका असिस्टेंट रहा होगा, भागता हुआ आता है और उनके हाथ में कुछ रखता है और चला जाता है। दशमलव उसको रोकते नहीं। शेर खान को फिर कौतूहल क्या है, तो बुलाते हैं आपस पास में, मुट्ठी खोलते हैं, देखो मिस्टर खान क्या है ये, देखा तो कफलिंक था। कहता ये वो कफलिंक है जो मैंने मैग्नेटिक स्वीपर से उस रूट को स्वीप कराया, मैं जानता था कुछ ना कुछ मेटलिक ऑब्जेक्ट मिलेगा, मैं उम्मीद कर रहा था कोई अंगूठी की या किसी लॉकेट की या किसी, लेकिन कफलिंक की उम्मीद नहीं थी। तो कफलिंग तो ये और भी ज्यादा एस्टेब्लिश करता है कि ये उसका था, दोनों में से एक कातिलों का, जो एक तो वो जो फूलदान से वार कर रहा था और दूसरा वो जो उसको जकड़े हुए था, और एक 6 फुट का लंबा चौड़ा व्यक्ति बिना रेजिस्ट किए, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना फाइट बैक किए मरेगा नहीं। और इस दौरान शायद वो कफलिंक उसके पास आ गया हो, और जब वो उसको घसीट की लाश को उसके लेके जा रहे थे झाड़ियों में, तो वो कफलिंक वहां पर रास्ते में पड़ा होगा। शेर खान को कुछ समझ में आ रहा है, कहता सर अब, कहता कुछ नहीं, अब चलेंगे रसोई घर में, मेज पोछ भी तो देखना है।